नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए ब्लॉग में। आज हम महाराजा छत्रसाल के संग्रहालय में आए हैं। यह जो संग्रहालय है महाराजा छत्रसाल ने खुद बनवाया था, जो 1580 ईस्वी में बनवाया हुआ था। उन्हें यह महल के रूप में इसको बनवाया था। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने इसको 1955 में एक संग्रहालय में परिवर्तित किया है। और अब महाराजा छत्रसाल के युद्ध क्षेत्र के समय में उनने जो जो चीज़ें उपयोग की हैं उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। उनके द्वारा यूज किए गए परिधान, उनके द्वारा यूज किए गए हथियार, उनके द्वारा यूज किए गए गोला बारूद और उन क्या क्या उनकी डेली लाइफ की यूजेस की चीज़ें थी, इसके बारे में आप मेरे साथ देखेंगे। और जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर विदेश से घूमने आते हैं या भारत से बाहर के हैं, उनको 400 रुपये देना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ अंदर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम प्रवेश कर चुके हैं महाराजा छत्रसाल के म्यूजियम में। यह जो संग्रहालय है, जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर आएंगे, उसके बाद प्रवेश द्वार है। अपन पहले प्रवेश द्वार से अंदर आ चुके हैं। ये महल का पहला एवं दूसरा प्रवेश द्वार है। जैसा कि आप मेरे पास साइड देख सकते हैं, ये जो मूर्तियां हैं, इसमें भगवान शिव, शंकर जी और शेर, और इसमें एक बड़ा सा मंदिर जो जैन देवी देवताओं को समर्पित है। प्रवेश द्वार के तुरंत बाद ही आप देख सकते हैं, ये जो गैलरी है, गैलरी को मुख्य रूप से सकरा इसलिए रखा जाता था कि अगर भविष्य में कोई सैनिक द्वारा या हमारे दुश्मन देशों के द्वारा या दुश्मनों द्वारा कोई हमला होता है तो कोई भी सैनिक है वो बल्क में अंदर ना आ सके। जिनकी संख्या ज्यादा होगी तो वो ज्यादा तरीके से आक्रमण करेंगे और वो आक्रमण बड़ा होगा। इसलिए हमेशा कोई भी महल का द्वार है उसके जो बाद की तुरंत गैलरी होती है उसको बहुत ही सकरा और छोटा बनाया जाता था। आइए आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये जो गैलरी है इसमें मुख्य रूप से 4 से 5 लोग ही एक साथ आ सकते हैं। महल के प्रवेश करते ही, म्यूजियम के प्रवेश करते ही हम एक हॉल के सामने पहुंचे हैं जिसको नाम दिया गया है सेवा गैलरी। बताते हैं कि इस हॉल के अंदर जितनी भी मूर्तियां हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं, जिसको सेवा गैलरी का नाम दिया गया है। और इसके अंदर शिव शक्ति नाम की सारी मूर्तियां हैं। अब मेरे साथ ये सारी मूर्तियों के बारे में देखेंगे आप। Thank you.
जैसे ये आपके आप देख सकते हैं, इसमें जो कारीगरी है वो गोल्ड और सिल्वर की है, और ये रानी का जो मुकुट है जो उनके मुकुट के ऊपर सजाया जाता था, जिसे हम सहरा बोल सकते थे। और इसके साथ आप नीचे ये भी देख सकते हैं, ये भी उनकी एक जब वो गद्दी पर बैठते थे उस टाइम की उनकी ये कैप है। और आप ये सामने जो पत्र देख सकते हैं, इसकी जो लिपि है वो देवनागिरी में है, और ये एक ताम्र पत्र है। और आप ये मेरे सामने देख सकते हैं कि एक ऐसा ये पोशाक है जिसको हम अंगरखा बोलते थे उस समय में, और ये इसकी लगभग लंबाई जो है वो 7.5 से 8 फीट के बीच में है। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के जो राजाओं की, जो महाराज छत्रसाल के राजा की जो हाइट हुआ करती थी वो कितनी होगी। और आप इसमें देख सकते हैं ये कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं जो पत्थर से निर्मित हैं, जिसमें कुछ पत्थर की कारीगरी की है और किसी को लकड़ी पर बनाया गया है। और आप मेरे साथ ये नीचे देख सकते हैं, ये जो उनको हाथों में पहनने वाले कंगन हैं और ये कानों में पहनने वाले कंगन हैं। और इसके साथ आप ये देख सकते हैं ये उस समय की कलम है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते थे इसके साथ कैसे लिखा जा सकता होगा। जो कलम है वो 4 प्रकार की है, एक जो बहुत बड़ी है, उससे छोटी है, और ये उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और इस म्यूजियम में ये जो वस्त्र रखे दिख रहे हैं, ये जो ड्रेस है बहुत ही खास है, इसमें गोल्ड और सिल्वर की कारीगरी की हुई है, जिसमें सोने और चांदी से ये जड़े हुए वस्त्र हैं। उस समय में यह वस्त्र सिर्फ लखनऊ में बना हुआ करते थे, और फिर इसके बाद इन्हें खुद महाराजा छत्रसाल ने कारीगरों को बुलाकर अपने लिए स्पेशली छतरपुर में बनवाया, और अपने पहनने के लिए ये बनाते थे, जिसमें आप ये जो धागा देख सकते हैं इसमें सिल्क के साथ गोल्ड और सिल्वर की कारीगरी हुई है। और आप ये देख सकते हैं 19वीं शताब्दी का ये जो कलेक्शन है, जिसमें ये संख हैं, संख की विभिन्न प्रकार के संख हैं, जो समुद्री संख है, इसमें कोई मोती संख है, इसमें कोई छोटा संख है, जिसमें किसी को गोल्ड संख भी बोल सकते हैं। और ये मेरे सामने देख सकते हैं ये जो ड्रेस है वो फीमेल ड्रेस है, जिसको ये मस्तानी बाई की ड्रेस है, जिसको आपने बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा होगा। जो महारानी जो मस्तानी बाई है वो महाराजा छत्रसाल की दत्तक पुत्री हुआ करती थी, और ये जो ड्रेस है वो मस्तानी बाई की है। अच्छा, ये आप जो देख सकते हैं इसको हम उस समय में जो राजाओं के समय में इसको अचकन बोलते थे, जो आज के समय में आप देख सकते हैं इसको शेरवानी कहते हैं। आप इसका लुक देख सकते हैं कि जैसे शेरवानी होती है जो लोग बाग शादी विवाह में पहनते हैं, वो सेम शेरवानी जैसी है, लेकिन उस समय में इसको अचकन बोलते थे। आप इसकी कारीगरी देखिए, इसमें जो कारीगरी है वो पांचाली डिजाइन की है, और इसमें भी जो भी धागा लगा हुआ है वो गोल्ड और सिल्वर का है। और इस वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं कुछ में ये जो बाज है वो अष्टधा से निर्मित है, और ये उनके तांबे के पात्र हैं जो उसमें हुक्का के रूप में उसको प्रयोग किया करते थे। और आप इसके साथ देख सकते हैं ये जो नीचे पाइप है ये हुक्का का पाइप है, जिसकी लंबाई मुझे लगता है कि 10 से 20 फीट की होगी। और इस साइड आप देख सकते हैं जो ये गिलास है, ये उस समय की बाउल जो कटोरियां हुआ करती थी, ये जो कटोरियां हैं वो पत्थर से निर्मित हैं, और ये आप नीचे मेरे साथ देख सकते हैं जो थालियां हैं, उस समय जो राजा उस समय इस थालियों में खाना खाया करते थे। तो दोस्तों आप मेरे साथ देखेंगे आप दिनों दीर्घ, इसके अंदर जो मिरर है बताए जाते हैं कि वो विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे आप मिरर में देखेंगे वो मिरर एक अलग ही प्रकार की आपकी छवि दिखाएगा।
जैसे कि आप शीशी में देख सकते हैं, इस मिरर में देख सकते हैं कि मेरी साइज बहुत छोटी दिख रही है और ये बहुत ही स्पेशली मिरर है जो सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा संग्रहालय है कि जहाँ पर कई प्रकार के शीशों को, कई प्रकार के मिरर को संग्रह करके रखा गया है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की अपने आप को देख सकते हैं। किसी में आप मोटा दिखेंगे, किसी में आप पतला दिखेंगे, किसी में आप बहुत लंबा दिखेंगे। आप जैसे इनके मिरर में मुझे देख सकते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को खड़ा किया जाए वो कितना भी छोटा हो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और आप इस शीशे की खासियत देख सकते हैं कि ये जो शीशा है ये बहुत, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत धुआंधार होता है। और मेरे साथ आप इस शीशे में देख सकते हैं जो मेरी लंबाई है वो बहुत ही लंबी दिख रही है। और आप इस शीशे की काफी की वजह से केवल उल्टा बनता है और सीधा बनता है। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका फेस नीचे की दिखाई देगा, अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपका फेस ऊपर की तरफ भी दिखाई देगा। और आप इस प्रतिबिंब में मुझे देख सकते हैं जिसमें मेरी लंबाई सिकड़कर 4 फुट या 2 फुट की बची है। दो फोटो दिखाई दे रही है। आप इस प्रतिबंध को देख रही है जो कि एक ही प्रतिबंध है। आप जो मेरे पीछे एक पेंटिंग देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जो महाराजा 36 साल की पूरी पेंटिंग है। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं ये जो महाराजा 36 साल की पेंटिंग है बहुत ही सुंदर है। और इस हॉल में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के और बुंदेलखंड और विंध्याचल के जितनी फोटो है वो विभिन्न प्रकार के राजाओं की है। और आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि उस टाइम पर शाही शादियाँ कैसी हुआ करती थी। ये महाराजा गुलाब सिंह जीदू की जोधपुर में शादी का जुलूस है जो आप देख सकते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जीदू देव हाथी पर विराजमान हैं। और आप ये देख सकते हैं कि उनके साथ पीछे बहुत सारे लोग जो बैंड बाजा बारात के साथ हैं, और पीछे हाथी भी हैं, बग्घी भी हैं। और इसके पीछे आप देख सकते हैं ये जो कारें हैं उस समय की विंटेज कारें हुआ करती थी। आप मेरे साथ सामने देख सकते हैं ये जो आंगन दिख रहा है जो म्यूजियम का ये मुख्य आंगन है, जिसमें संग्रहालय, जब इसको संग्रहालय में परिवर्तित किया गया तो इसमें कई सारी प्रतिमाओं को लगाया गया। जो कुछ प्रतिमाएं हैं वो कुछ तो या तो क्षतिग्रस्त हैं, कुछ अच्छी हैं, अच्छी कंडीशन में हैं। ये जो प्रतिमाएँ हैं कुछ बलुआ पत्थर पर बनी हुई हैं, कुछ ये प्रतिमाएँ ब्लैक स्टोन पर बनी हुई हैं।